देश के दो न्यूज चैनल पर जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के विरोध में सहारनपुर के पत्रकारों ने जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा के निर्देशन में संगठन के बैनर तले जनपद की चार तहसीलों पर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किया गया। बताते चले कि गाजियाबाद में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर दो न्यूज चैनल द्वारा खबर चलाई गई थी, जिसके बाद गाजियाबाद के जिलाधिकारी ऋतु माहेश्वरी द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई थी, जिसके बाद से प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले संगठन से जुड़े पत्रकार इकट्ठा हुए और रामपुर मनिहारा में संगठन के तहसील अध्यक्ष कुशलपाल चौधरी और जिला उपाध्यक्ष रविंदर सिंह काका के नेतृत्व में, नकुड़ में तहसील अध्यक्ष भगवत मेहरा के नेतृत्व में, बेहट में तहसील अध्यक्ष एसएम हुसैन जैदी के नेतृत्व में और नागल ब्लॉक में जिला उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा और महामंत्री अनुज स्वामी के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी करते हुए चैनल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पत्र अपनी अपनी तहसीलों में उप जिलाधिकारियों को सौंपा। इस अवसर पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा कि चैनल पर एफआईआर दर्ज कराया जाना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और प्रेस की आजादी पर हमला है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा हिंदुस्तान के दो प्रतिष्ठित चैनल समाचार प्लस और न्यूज वन इंडिया के खिलाफ एक समाचार को लेकर, खबर को लेकर गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन इस मुकदमा दर्ज कराए जाने को लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला मानती है। आज सहारनपुर जनपद में चार तहसीलों में देवबंद, नकुड़, रामपुर बनिहारान और बेहट में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी साथियों ने एसडीएम को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें मांग की गई है कि जल्द से जल्द दोनों न्यूज चैनल से मुकदमा वापस लिया जाए। अगर ये मुकदमा वापस नहीं लिया जाता तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े सहारनपुर जनपद के 350 से अधिक पत्रकार निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। ये ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से दिया है। अगर मुकदमे वापस नहीं हुए तो भले ही हमें पत्रकारों को यहाँ पर लाठी खानी पड़े, गोली खानी पड़े, धरना देना पड़े और चाहे जेल जाना पड़े, मुकदमे वापस करवा कर रहेंगे। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।